हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा लिप्स के ऊपर, लिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं, उस पर शेड कैसे देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई भी एच की पेंसिल या फिर एच बी पेंसिल यूज़ कर सकते हो इसकी जगह। आउटलाइन तो मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, अब मैं मैकेनिकल पेंसिल से इसमें शेड दे रहा हूँ। तो आप लोग भी लेयर बाय लेयर ही काम करना। अगर आप डार्क पेंसिल का यूज़ जल्दी कर लोगे तो उसमें क्या है कि शेड में प्रॉब्लम आएगी आपको एंड में। तो फर्स्ट लेयरिंग हमारी हो चुकी है, तो अब मैं ब्लेंड कर लेता हूँ इसे अपने ब्रश से। आप चाहो तो किसी भी ब्रश से इसको ब्लेंड कर सकते हो, ब्रश नहीं आपके पास तो आप टिश्यू पेपर या फिर ब्लेंड स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हो इसमें। मैं यहाँ पे सेकंड कोटिंग भी कर चुका हूँ, अब मैं इसमें क्या है कि सिस्बी की पेंसिल से शेड दे रहा हूँ इसमें थोड़ा डार्क टोन एरिया करने के लिए। मैं यहाँ प्रेशर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल एकदम सॉफ्टली हैंड चला रहा हूँ अपने यहाँ पे। आप भी अगर शेड अच्छा चाहते हो, स्मूथ शेड चाहते हो, तो बिल्कुल एकदम पेंसिल को एकदम स्मूथली प्रेशर अप्लाई करना है इसमें। मैंने 6B पेंसिल से भी इसमें शेड दे दिया है, तो अब मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ फिर से। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप पेपर स्टम्प का यूज़ क्यों नहीं करते, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं हमेशा मोस्टली पहले तो वो करता था कि पेपर स्टम्प है तो कर लिया, नहीं तो नहीं टिश्यू पेपर का यूज़ कर लिया कभी। पर अब तो जब से ब्रश का यूज़ किया है तो उसमें क्या है स्मूथ शेड मिलता है मेरे को, तो मैं ब्रश का यूज़ करता हूँ मोस्टली। मैं 2-3 बार अप्लाई कर चुका हूँ यहाँ पे टोन, बट यहाँ पे डार्क टोन नहीं मिल रहा मेरे को, तो इसलिए मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास 8B नहीं है, आप 6B लास्ट है, तो आप 6B भी यूज़ कर सकते हो इसमें। तो अब यहाँ पे मैं पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा प्रेशर अप्लाई करने के लिए। अगर मैं ब्रश से करता तो उसमें टाइम लग जाता और वो शेड नहीं आते जो मैं पेपर स्टम्प में मिल जाता मेरे को अभी डार्क। लगभग हमारा जो ड्राइंग था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं हाईलाइट के लिए क्या कर रहा हूँ कि मोनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास मोनो इरेजर नहीं है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप घर पे बैठे कैसे मोनो इरेजर क्रिएट कर सकते हो अपने खुद का। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।